हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में हमने कहां पे छोड़ा था, धनात्मक और ऋणात्मक अंतर क्रियाएं। ठीक है, अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अनुकूलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम एडेप्टेशन। क्या होता है एडेप्टेशन? किसी भी जीव का या किसी भी पादप का अपने आवास के अनुरूप अपने आप को ढाल लेना, या अपने मतलब जिस तरीके के वो आवास में रहता है उस तरीके के आवास के अकॉर्डिंगली यदि वो अपने आप में क्या कर लेता है, चेंजेस कर लेता है, तो उसी को क्या बोलते हैं अपन, अनुकूलन। ठीक है, अनुकूलन देखो तीन प्रकार के होते हैं, आकारिकी अनुकूलन, शारीरिकी अनुकूलन और कार्यकी अनुकूलन। आकारिकी अनुकूलन मतलब किसी भी पादप की बाह्य संरचना में होने वाले परिवर्तन, या आवास के अनुरूप अपनी बाह्य संरचना में क्या कर लेना, परिवर्तन कर लेना। शारीरिक अनुकूलन मतलब किसी भी पादप का अपने आवास के अनुरूप अपनी आंतरिक संरचना को क्या करना, अनुकूलित कर लेना। ठीक है, और कार्यकी अनुकूलन मतलब किसी भी पादप का अपने कार्यों को अपने आवास के आधार पर अपने कार्यों में क्या कर लेना, अनुकूलित कर लेना, अपने कार्यों को अपने आवास के अनुरूप ढाल लेना, उनको क्या कहलाते हैं, कार्यकीय अनुकूलन। ठीक है, अब इनको अपन डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहले प्लांट्स आते हैं आपके जलोद्भिद पादप, जैसे नाम से पता चलता है इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रोफाइट्स। ऐसे पादप जो जल में पाए जाते हैं उन पादपों को क्या कहते हैं अपन, जलोद्भिद पादप कहते हैं। ठीक है, देखो हाइड्रोथोर्स जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, ह्यूडर और फाइटो। ह्यूडर मतलब क्या होता है आपका, जल, और फाइटो मतलब क्या होता है, पादप। तो जल में पाए जाने वाले पादप हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। अब इन हाइड्रोफाइट्स जो प्लांट है उनको पांच भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला आता है मुक्त प्लवन जलोद्भिद पादप, फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। देखो नाम से पता चल रहा है, ऐसे पादप जो जल की सतह पर मुक्त रूप से तैरते हैं तथा जल एवं वायु दोनों के किसमें रहते हैं, संपर्क में रहते हैं, लेकिन मृदा के संपर्क में नहीं रहते या भूमि के संपर्क में नहीं रहते। ऐसे पादपों को कौन से पादप बोलते हैं, मुक्त प्लवन पादप, जैसे कि बुल्फिया और एक आपका आइकोनिया। ठीक है, ये दो पादप हैं आपके कौन से, मुक्त जलोद पादप, मुक्त प्लवन जलोद्भिद पादप आपका बुल्फिया और दूसरा आइकोनिया। आगे देखिए, दूसरे आते हैं प्लवमान पत्तियों युक्त मूलीय पादप, मूलीय जलीय पादप, रूटेड हाइड्रोफाइट्स विद फ्लोटिंग लीव्स। ठीक है, देखिए नोट्स की टेंशन मत लीजिएगा, नोट्स आपको मिल जाएंगे, बस समझने में ध्यान दीजिए। प्लवमान पत्तियों युक्त मूलीय पादप, मूलीय का मतलब है ऐसे जलोद्भिद पादप जिनमें क्या पाई जाती है, जड़ें पाई जाती है, और साथ ही साथ इन पादपों की जो पत्तियां होती हैं, इनकी पत्तियों के पणग्रंथ क्या होते हैं, काफी लंबे होते हैं। पणग्रंथ पत्तियों का वो भाग होता है जिसकी सहायता से पत्तियां किससे लगी हुई रहती हैं, तने पर लगी हुई रहती है। तो इन पादपों में जड़ें भी मिलती हैं और पत्तियों के पणग्रंथ क्या होते हैं, लंबे होते हैं, जिनके कारण ये आसानी से क्या रहते हैं, प्लवमान रहती है या तैरती रहती है। एग्जाम्पल क्या आ गया आपका, निलंबो और मार्सीलिया। ठीक है, तीसरा आता है निमग्न प्लवान जलोद्भिद पादप, इंग्लिश में बोलते हैं सबमर्ज्ड फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। देखो ऐसे पादप जो कि पूर्ण रूप से जल में क्या रहते हैं, निमग्न रहते हैं, डूबे हुए रहते हैं, लेकिन इनकी जो जड़ें हैं वो मृदा में धसी हुई या मृदा में एक स्थिर कंडीशन में नहीं रहती। इनमें एग्जाम्पल कौन आ गया आपका, यूट्रिकुली। चौथे नंबर पे आता है मूलीय निमग्न जलोद्भिद पादप, रूटेड सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स, मतलब ऐसे पादप जिसमें जड़ें भी पाई जाती हैं, पूर्ण रूप से वो पानी में भी डूबे हुए रहते हैं और जड़ें मृदा में क्या रहती हैं, अंदर धसी हुई रहती है। एग्जाम्पल आ गया हाइड्रिला और आपका लैरिसनेलिया। और लास्ट आता है निर्गत मूलीय जलोद्भिद पादप, रूटेड इमर्जेंट हाइड्रोफाइट्स, ऐसे जलोद्भिद पादप जिनमें मृदाएं पाई हो, सॉरी जड़ पाई जाती है, मृदा में घसी हुई रहती है, साथ ही इनके तने का आधा भाग तो वायु के संपर्क में रहता है, मतलब पानी की सतह से बाहर निकला हुआ रहता है, आधा भाग कहाँ रहता है, पानी के अंदर रहता है। तो
एग्जाम्पल इसमें क्या गया, रेनिकुलस। तो ये पांच प्रकार थे किसके, जलोद्भिद पादपों के। आगे देखिए हम पढ़ते हैं जलोद्भिद पादपों में अनुकूलन। तो सबसे पहला अनुकूलन हम इनमें क्या पढ़ते हैं, आकारिकी या इनकी मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन। तो आकारिकी में देखिए सबसे पहले आती है जड़। देखिए मोस्टली जो जलोद्भिद पादप होते हैं, कुछ पादपों में तो जड़ें मिलती हैं, कुछ में बिल्कुल ही नहीं मिलती, अनुपस्थित होती है, या कम, कुछ में क्या होती है, कम विकसित होती है। लेकिन पंख या कीचड़ में उगने वाले जो पादप होते हैं उनकी जड़ें कैसी होती हैं, कम गहरी होती हैं और कम शाखित होती हैं। साथ ही कुछ जलीय पादपों में मूल रोम अधिक संख्या में पाए जाते हैं। फिर आता है आपका तना। देखो हमें पता है ये पानी में रहते हैं तो तना इनका क्या होता है, फ्लपी होता है, क्योंकि वो कोमल होता है, लचीला होता है, स्पॉन्जी होता है, क्योंकि उसमें क्या भरा हुआ होता है, पानी भरा हुआ होता है। तो इनका तना लचीला, कोमल और स्पंजी होता है। पत्तियां इनकी कैसी मिलती है, पतली होती है, चपटी होती है, रिबन के समान। और एक प्लांट होता है सेरेटोफिल्लम, जिसमें धागे के समान क्या पाई जाती है, पत्तियां पाई जाती हैं। ठीक है, जनन जो है वो इनमें मोस्टली कायिक जनन मिलता है, जो या तो कंद के द्वारा होता है, प्रकंद के द्वारा। कंद मैंने बताया था आलू में मिलता है, जैसे कंद, कंद वही है कि जड़ों के बिल्कुल भूमिगत, ये जो है जड़ वाला भाग है, और प्रकंद मतलब भूमिगत तना। ठीक है, फलों बीज के कैसे होते हैं, काफी हल्के होते हैं, जो इजीली पानी की सतह पर तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, मतलब आसानी से उनका क्या किया जा सकता है, प्रकीर्णन किया जा सकता है, क्योंकि इनके बीज और पंख, वो फल कैसे होते हैं, इनके हल्के होते हैं। ठीक है, तो ये थे इनमें आकारिकी अनुकूलन। आगे देखिए जलोद्भिद पादपों में आकारिकी अनुकूलन के बाद आती है शारीरिकी या एनाटॉमिकल एडेप्टेशन, मतलब अपनी आंतरिक संरचना में अपने आवास के अनुरूप क्या करना, अनुकूलन करना। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन मूल या रूट के बारे में। तो आंतरिक संरचना में रूट का सबसे पहला भाग क्या आता है, एपिडर्मिस या अधिचर। तो देखो मोस्टली जो जलोद्भिद पादप होते हैं उनकी एपिडर्मिस पर क्या नहीं पाई जाती, क्यूटिकल नहीं पाई जाती। देखो ये पानी में रहते हैं, तो पानी में रहने के कारण इनको वाष्पोत्सर्जन की क्रिया का तो कोई डर होता ही नहीं है, क्योंकि जो पादप वायवीय होते हैं उनमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज्यादा पाई जाती है। ये तो पहले से ही पानी के अंदर डूबे हुए हैं या पानी से घिरे हुए हैं, तो इसलिए वाष्पोत्सर्जन इनके अंदर जैसी कोई क्रिया ज्यादा नहीं होती, इसलिए मोस्टली इन पादपों में क्यूटिकल क्या होता है, अनुपस्थित होता है। दूसरा आता है कॉर्टेक्स या कॉर्टेक्स बल्कुट वाला भाग। बल्कुट वाला भाग जो है वो मृदुकीय कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, पैरेन्काइमेटस सेल। और मृदुकीय कोशिकाओं में इनमें ऊतक पाया जाता है, मृदुकीय कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती है, जिनका नाम है वायुतक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एरेन्काइमा। ये वायुतक वो ऊतक होता है जिसमें क्या भरी रहती है, वायु भरी रहती है, जो इनको उत्प्लावकता, बायंसी क्या करता है, प्रदान करता है। ठीक है, मतलब ऊपर की तरफ वो बल प्रदान करता है जिससे कि ये आसानी से तैर सके। इनमें जो वेस्कुलर बंडल होते हैं, संवहन ऊतक, मतलब जाइलम और फ्लोएम, वो भी कैसे होते हैं, कम विकसित होते हैं। मोस्टली जो जाइलम होता है इनमें एक या दो केंद्रीय नलिका समान कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है, और इनके अंदर फ्लोएम भी कैसा होता है आपका, कम विकसित होता है, या तो अनुपस्थित होता है या कम विकसित होता है। ठीक है, तो ये थे शारीरिकी अनुकूलन में, ये थी इनकी मूल। देखिए शारीरिक अनुकूलन में जड़ के बाद क्या आता है, तना। तने की जब अपन एपिडर्मिस देखते हैं तो तने की जो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस मतलब बाह्य त्वचा, वो क्या करती है, उनको सुरक्षा प्रदान करती है, प्लांट को प्रोटेक्शन देती है, साथ ही साथ उसमें क्लोरोप्लास्ट भी उपस्थित होता है, और वो जल और खनिज लवणों का शोषण भी करती है। फिर आता है कॉर्टेक्स। इसकी जो कॉर्टेक्स होता है वो भी मृदुकीय कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसमें की आपका एरेन्काइमा पाया जाता है, वायुतक उपस्थित होता है। वैस्कुलर मंडल या इनके जो संवहन ऊतक होते हैं उनमें जाइलम क्या कैसा मिलता है, तने में अल्प विकसित मिलता है। साथ ही साथ ये भी देखने को मिलता है कि तने में द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती। द्वितीयक वृद्धि का मतलब द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण नहीं होता, वो अपन आगे पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए पत्तियां। पत्तियों की सबसे भारी परत वही एपिडर्मिस, जिस पर किसका निक्षेपण मिलता है, क्यूटिकल का। लेकिन निमग्न पादपों में क्यूटिकल का निक्षेपण नहीं पाया जाता,
जबकि जो कीचड़ या पंखीय पादप होते हैं उनमें क्यूटिकल का निक्षेपण पाया जाता है। पत्तियों में एपिडर्मिस के बाद दूसरा भाग आता है मीजोफिल, या इसको हिंदी में बोलते हैं पर्णमध्योतक। मीजोफिल कोशिकाएं एपिडर्मिस के नीचे उपस्थित होती हैं और दो भागों में बटी हुई होती हैं, स्पंजी पर्णमध्योतक और आपका खम्भी पर्णमध्योतक। साथ ही साथ ये जो मीजोफिल कोशिकाएं होती हैं इनमें वायु प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, एयर चैम्बर, जिनमें क्या भरी रहती है, O2 और CO2+, जो इनको प्रकाश संश्लेषण और इसमें आपके श्वसन में क्या करती हैं, मदद करती हैं। साथ ही साथ पत्तियों में जो संवहन ऊतक होते हैं जाइलम फ्लोएम, वो भी कैसे होते हैं, अल्प विकसित होते हैं। तो ये थे इनके शारीरिकी अनुकूल। और देखिए लास्ट आता है जलोद्भिद पादपों में कार्य के अनुकूल, कि ये अपने आवास के अनुरूप अपने कार्यों में किस प्रकार से अनुकूलित होते हैं। देखिए अभी मैंने बताया था कि इन पादपों में वाष्पोत्सर्जन नहीं पाया जाता, लेकिन केवल उन्हीं जलोद्भिद पादपों में वाष्पोत्सर्जन पाया जाता है जिनका वायवीय भाग जल की सतह के क्या पाया जाता है, ऊपर की तरफ, मतलब यदि इनका भाग जल की सतह से ऊपर निकला हुआ है तो उन पादपों में क्या मिलेगा, वाष्पोत्सर्जन। साथ ही प्लांट्स का जो परासरण दाब होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, वो भी कैसा होता है, काफी कम होता है, क्योंकि इन्हें पानी की आवश्यकता बहुत कम मात्रा में होती है। ये जल और खनिज द्रव्यों का अवशोषण भी किससे करते हैं, अपनी सतह के द्वारा करते हैं, ठीक है। साथ ही ये विसरण की क्रिया के द्वारा अपनी सतह से गैसों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। ये प्रकाश की तीव्रता भी इनमें पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होती, क्योंकि जल के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए प्रकाश के प्रति क्या पाई जाती है, अनुकूलताएं पाई जाती हैं। साथ ही इनमें वायु प्रकोष्ठ उपस्थित होते हैं जिनमें क्या भरी होती है, O2 और CO2 भरी हुई रहती है। ये अपनी सतह के द्वारा जल में घुली हुई O2 और CO2 को काम में लेते हैं, CO2 से प्रकाश संश्लेषण की विधि में काम में लेते हैं, O2 को किसमें काम में लेते हैं, श्वसन की क्रिया में। तो ये थे आपके जलोद्भिद पादपों में पाए जाने वाले अनुकूलताएं।